हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कॉस्ट लॉक्स सो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है क्वाड्रिलेटरल की एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं एंड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सो so, आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सो आज के जो क्वेश्चन हैं वो ये दो फार्मूलाज पे बेस्ड हैं पहला फार्मूला जो है इससे हम लोग कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं एंड द फार्मूला इज एन माइनस टू इंटू वन एट्टी जहाँ पे एन है नंबर ऑफ साइड्स दूसरा फार्मूला एक्सटीरियर एंगल को निकालने का है कि एक पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल की क्या वैल्यू होगी अगर वो एन साइडेड पॉलीगॉन है मतलब अगर सपोज फोर साइड्स हैं तो सिक्सटी बाई फोर वैल्यू होगी हर एक्सटीरियर एंगल की सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सिक्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी साइड्स हैं हमारे पास सिक्स तो हम यहां पे एन जो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है उसकी जगह पे क्या डाल देंगे सिक्स डालेंगे सो वॉट विल गेट सिक्स माइनस टू इंटू वन एट्टी दैट इज फोर इंटू वन एट्टी सो वॉट इज फोर इंटू वन एटी सेवन ट्वेंटी डिग्री सो वॉल ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसमें छह साइड होंगी उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा दैट वुड बी सेवन ट्वेंटी अब अगर हमसे पूछा जाता है कि हर इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है तो हम क्या कर सकते हैं उसको सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको ईच इंटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा एंड दैट वुड बी वन ट्वेंटी डिग्री सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ नाइन साइड्स सो नाइन साइड्स में हम लोग को क्या करना पड़ेगा थ्री सिक्सटी अपॉन नाइन ले लेंगे क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला पता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का थ्री सिक्सटी अपॉन एन सो थ्री सिक्सटी अपॉन नाइन कर लेंगे सो आंसर वुड बी फोर्टी डिग्री तो मतलब नाइन साइड पॉलीगॉन के हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा फोर्टी डिग्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज मिनिमम एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई सो एक रेगुलर पॉलीगॉन का अगर हम इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो हमें फॉर्मुला पता है एन माइनस टू इंटू वन एट्टी डिग्री अब मुझे हर एक एंगल की बात करनी है इंडिविजुअल एंगल की बात करनी है सो so, मैं क्या करूंगा इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा So, मैंने इंटीरियर एंगल के सम वाले फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ साइड से सो so, मुझे ये क्या दे देगा इच इंटीरियर एंगल दे देगा अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एन को सेपरेट आउट कर लेते हैं सो इससे व्हाट विल गेट वन माइनस टू बाई एन इंटू वन एट्टी डिग्री अब मुझे ये वैल्यू कब मिनिमम मिलेगी जब ये वाला जो टर्म है ये पूरा मिनिमम होगा सो so, इस टर्म में हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम एंगल चाहिए सो so, अगर हम एन की जगह पे वन डालते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाएगा टू डालते हैं तो अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि जीरो हो जाएगा सो so, उसके बाद हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे थ्री सो वन माइनस टू बाई थ्री इंटू वन एट्टी सो इससे वॉट विल गेट वन बाई थ्री इंटू वन एट्टी दिक्सटी डिग्री अब इसके बाद एन की नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं दैट इज फोर सो इस केस में क्या होगा वन माइनस वन बाई टू इंटू वन एट्टी या फिर वन बाई टू इंटू वन एट्टी एंड विल गेट नाइन्टी डिग्री सो मतलब हम यहां पे देख सकते हैं कि जब हमने एन की वैल्यू को थ्री से फोर बढ़ाया तो जो ईच इंटीरियर एंगल का मेजर है वो सिक्सटी से नाइन्टी हो गया अब अगर हम और बढ़ाते हैं फोर के बाद फाइव पे जाते हैं तो ये वैल्यू भी फिर इंक्रीज होने वाली है सो हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी सो मतलब सिक्सटी डिग्री जो है वो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है एंड हम लोग को पता है ये किस केस में होता है इक्विलेटरल ट्रैंगल के केस में सिक्सटी डिग्री हम लोग को मिलता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी साइड डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज वन सिक्सटी फाइव डिग्री सो हम लोग को पता है ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला दैट इज एन माइनस टू इंटू वन एट्टी करते हैं और फिर उसको एन से ही डिवाइड कर देते हैं सो so, इससे हमको ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है और हमें वैल्यू कितनी दी हुई है वन सिक्सटी फाइव डिग्री दी हुई है उसके करेस्पॉन्डिंग हमें एन निकालना है सो so, एक तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं एन विल गेट वैल्यू ऑफ एन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और टेक्निक है जैसे मुझे यहाँ पे इंटीरियर एंगल 165 दिया है तो मुझे पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो 180 में से सब्रैक्ट करके आती है सो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा अब मैं क्या कर सकता हूं यहां से भी नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता हूँ सो so, मुझे पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी अपॉन एन होता है एन यहां पे नंबर ऑफ साइड होती है तो अब अपने को एन निकालना है तो एन इधर ले आते हैं और एक्सटीरियर एंगल इधर ले आते हैं सो so, फिफ्टीन से डिवाइड हो जाएगा सो so, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर साइड्स सो सेम आंसर हम लोग को यहां से भी मिलेगा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से भी एन हमारा ट्वेंटी फोर ही आने वाला है सो so इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी फोर साइड्स जब होंगी तब ईच इंटीरियर एंगल वन सिक्सटी फाइव होगा या फिर ईच एक्सटीरियर एंगल फिफ्टीन डिग्री होगा सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज शेयर माई वीडियो ऑल्सो